वाले अंजुमन ताजरान के सदर आफ्ताब अरब साहब और तमाम ताज बरादरी सिविल सोसाइटी और प्रेस कमांड खान और यूनियन कौंसिल के मुंतखब नुमाइंदे और चेयरमैन यूनियन कौंसिल वाइस चेयरमैन और जितने भी कौंसिल हजरात हैं और जितने भी यहाँ इस पंडाल में बैठे हुए गयूर लोग, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आपने ये आज स्टेज सजाया है, ये आपकी इतनी बड़ी एफर्ट है। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक मसला अंजुमन ताजरान का नहीं है, ये एक पुलिस वाले का भी है, एक मास्टर का भी है, एक सियासी का भी है, एक तलबिल का भी है और एक आम कर्कों का भी है। इस घर के अंदर मीटर लगा हुआ है, ये सबका मसला है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो जलमाना टैक्स लगाए गए हैं, ये टैक्सेस किस लिए लगाए गए हैं, इसके गाय क्या है? आजाद कश्मीर 4000 मेगावाट बिजली पैदा करता है और उसकी जरूरत जो है वो 350 है। और इस तरह पूरे आजाद कश्मीर के अंदर जितने भी डैम बने हुए हैं, पाकिस्तान वालों हम आपसे प्यार करते हैं, हम ये नारा लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और आप हमसे ये कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं कि हमसे 2 रुपए यूर लेकर हमको 52 रुपए यूर दे रहे हैं। ये आपके बाप की जगीर नहीं है, ये हमारा मुल्क है, हमने बड़ी कुर्बानियां देकर ये मुल्क लिया हुआ है, किसी का बाप की जगीर नहीं है। और ये किसी आर्मी ने आजादी करवाया था, हमारे यहाँ आजादी करवाया था। और आप गरीबों के वतन जो आज गुजर चुके हैं, उनके कुर्बानियों की वजह से हमने कोई गन्ने नहीं चलाई थी, खिलाड़ियों लाठी से हमें आजाद हुआ था। और आज जुल्म कर रहे हो पाकिस्तान वालों, मैं आपसे मांगता हूँ इन कश्मीरी को ना छेड़ना। ये बड़ा गुजूर लोग हैं, बड़े गर्दमंद लोग हैं, बड़े बहादुर लोग हैं, अपना भूख लेना जानते हैं। ये वो कौम है जिसे हिंदू को यहाँ से भगाया था। आपसे मोहब्बत इसलिए करते हैं कि आप हमारे मुसलमान भाई हैं, बड़े भाई हैं, लेकिन इससे यह मुराद नहीं है कब्र हमारी डूब जाए, किताबें हमारी डूब जाए और हमारे घर डूब जाए आप रोशन करने के लिए। और आप हम पर तलबा टैक्स लगाए, नहीं देंगे, नहीं देंगे, ये किसी के पास भी जगह नहीं है। कश्मीर जिंदा है, कश्मीरियों की मिसाल पूरे वर्ल्ड में देखो, उस तरह वो कश्मीरी जो है वो सीने पे गोलियां खा कर अकी बात करते हैं। इन कश्मीरियों को कोई जेल का तहन नहीं कर सकता है। ये इलेक्शन कमेटी जो आपने बनाई है, आपने जो सदर ये इलेक्शन कमेटी जो है, इस कमेटी के साथ मेरा चेयरमैन यूनियन कौंसिल बलदियाती कौंसिल जितने भी हैं, ये आपका शाना बशाना है, आप अकेला नहीं है। जिस चौके किराए में आप बनाएंगे फर्स्ट नंबर पर होंगे इंशाल्लाह। मैं इंतजामिया से कहना चाहता हूँ, ये पुरमन है, ये पुरमन से जाके आप काम कर रहे हैं कि आप बंदे के बेटे बन जाओ, बंदे का पुत्र बन जाओ। अगर नहीं बनोगे इस तरह हड़ताल नहीं होगी। फिर डंडा 5-4 किताबें पास में डंडा आया वो आप में लेंगे और अपना हकूक छीनेंगे। डंडा वाले नहीं है, खुदा की कसम ये क्या है, ये इतना बड़ा जुल्म कि हम कुर्बानियां दें, अपने जदाद हैं बंद होकर अपने आबादा के कमेंट होकर आपको रोशन करें और 2 रुपए यूं ले और 52 रुपए जुड़ हमें दे। ये क्या बदमाशी है, ये बदमाशी नहीं मानते। जब कश्मीरी कौम अपने हकूक लिए खड़ी हो जाए, कोई माइका लाल इनको जियर नहीं कर सकता। ये छोटा सा पैगाम है। अब मैं आता हूँ इस तरफ के जितने ताजर यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इस यूनियन कौंसिल का नुमाइंदा हूँ। आप लोगों ने मुझे वोट देकर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल बनाया और इस यूनियन कौंसिल की पूरी पार्टी यहाँ खड़ी है और चेयरमैन यूनियन कौंसिल इफ्तिखार कौशी साहब और हमारे जितने भी कौंसिल यहाँ है, ये नुमाइंदे नहीं है, हम आपके नौकर हैं, हम आपके खादिम हैं, हम ऐसा फेवर ना पाएंगे। और जब धरना होगा, जब बात ना मानी जाएगी, तो खुदा की कसम ये मेरे नुमाइंदे। और मैं आपसे वादा करता हूँ, पहले इस बाजू का कड़ी लगेगी फिर आप तक हो जाएगा। ऐसा काम नहीं है, मैं जो बात करता हूँ वो पूरी करता हूँ। और यह बात भी कहना चाहता हूँ कि जितने भी आपने यहाँ मुतलबात पेश किए वो सट्टी यूनियन कौंसिल, तुम हमारे अंदर आते हो,
के वीडियो बन जाओ और यूनियन कैसल बैठ जाओ, लोगों को रिलीफ दो। अगर नहीं बैठोगे कहां से पकड़ रहा हूं, यहां लाऊंगा मैं लाऊंगा, मेरी पूरी बॉडी लाएगी सेंटी और यूनियन कैसल सोचेगा और बैठा किसी और जगह हो। अगर उसको ये कबूल नहीं है तो अपना तबादला करवा ले। आप सेंटी यहां बैठेगा जैसे आपने बात की है, बैठाएंगे आप हमारे नुमाइंदे जनाब चेयरमैन और डिस्ट्रिक्ट कौंसिल साहबान कौंसिल साहबान, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये नहीं है कि मैंने अपने नाम के साथ डिस्ट्रिक्ट कौंसिल खा लिया, चेयरमैन और यूनियन कौंसिल वाइस चेयरमैन, इसको नहीं चाहिए। इस आवाम को काम चाहिए, इस आवाम को काम चाहिए। काम करेंगे तब ये लोग इज्जत करेंगे, वरना जिस तरह उन्होंने वोट दिए ये जूते में हमारे सेवा मारेंगे और हमें मानना पड़ेगा। ये ऐसे बात ही होगी। इलेक्शन कमेटी आपकी जो है अफ्ताब भाई अंजमन ताजरान नहीं है, जिसका पढ़ाया ये आपका अकेला मसला नहीं, सबका मसला है। जो इलेक्शन कमेटी है वो अपना एक्शन ले और आप हम आपके पुश्त पर खड़े हैं। किसी के कोई ध्यान नहीं है कि वो बात ना माने, मंगवा कर रहेंगे। एक बात और भी है, ये यहाँ डॉक्टर बैठा है और डॉक्टर मेरा सरनाम ही आफ्ताब नाम है उसका, डॉक्टर आफ्ताब आप भी सुन लो, आप तनखा यहाँ से लेते हो, ड्यूटी यहाँ करते हो और तनखा ये नहीं हो सकती, ड्यूटी भी यहाँ करोगे तनखा भी यहाँ से लोगे। आप प्रोवाइड करा रहे हैं, नहीं जाने दूंगा मैं, आप यहाँ आएंगे वरना तबादला करो यहाँ से, चलते बनो। ये बात ऐसे भी होगी, एक बार वहां हमने मंदिर पर उंगली उठाती है और ढाक बांधता है, ये क्यों उठाए, उन्होंने हमें वोट दिए हुए और अगर हमने काम न किए तो फिर ये लोग हमें माफ नहीं करेंगे। ये कोई एफिशिएंसी की बात नहीं है, यहाँ पार्टी की बात नहीं है, यहाँ कोई पार्टी नहीं है, इलेक्शन तो होती है, यहाँ कोई पार्टी नहीं है, यहाँ आपका गुलाम खड़ा है, आगे ये गुलाम खड़ा है, कोई पार्टी नहीं है, मेरी पार्टी आप लोग हैं। जो आपका हुक्म होगा वो चेयरमैन यूनियन कौंसिल और डिस्ट्रिक्ट कौंसिल और मेम्बरान यूनियन कौंसिल ये आपके हाथों में, ये सौदा करेंगे। आप कश्मीर की हालत देखें, ये डैम डुबोकर दुनिया को डुबोकर आराम पर वहां बनाया गया और कश्मीरियों को वो सुलभ नहीं देगी कि संटे से उसको तोड़ दिया गया, उसको नहीं बनाया गया कि कश्मीरी ये भी एंजॉय करे, ये भी सही करो। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कायना कमेटी में जो बात की है आई एम एग्री विद यू, मैं उसको एग्री करता हूँ कि उसने जो जमंदाना बात की है, उसने कहा है कि शायद मैं आखिरी कश्मीरी हूँ जो आपसे मोहब्बत करूँ, ये उन्होंने सही कहा, ये बचा कहा। अगर कश्मीरी के साथ ऐसा जुल्म करेंगे तो फिर ये कश्मीरी कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान नहीं गएंगे। तो ये बात ना कहना पाकिस्तान के साथ हमारा दिल दबता है, उसके लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, आज भी देने के लिए तैयार है, लेकिन वो हमारे साथ हमारे कौम के साथ जुल्म ना करे। ये पूरी आजाद कश्मीर मुजफ्फराबाद से लेकर अरावला कोट और मीरपुर तक तीनों डिवीजन हुए, हम एक हैं और मैं एक तजवीज देता हूँ पूरी आजाद कश्मीर डिवीजन में एक जनदार कमेटी में लिखोगी बनाई जाए जो इन आवानों से जाकर बात करे। यहाँ ये नहीं है कि धरना दिया हमने और घर चले गए और बात वही हो उस तरह गिर जाए। मैं एक और बात आपसे करने लगा हूं, मैं कौन ये खुदा की कसम मैं बिल नहीं जला रहा हूं, हेलो जी ये बिल नहीं जला रहा, ये बिजली का बिल नहीं जला रहा, ये गुंडा टैक्स ला रहा हूं, गुंडा टैक्स ला रहा हूं। बिजली का बिल जमा कराने के लिए हम वक्त आ रहे हैं, लेकिन ये बिजली का बिल नहीं है, ये गुंडा टैक्स है। मैं गुंडा टैक्स लाने जा रहा हूँ, मैं सोच रहा मैंने और ये गुंडा टैक्स मेरे मजबूर भैया आप अकेले नहीं है, ये मुंतहिम नुमाइंदे आपके हमारा आपके साथ है। और इलेक्शन कमेटी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं आपसे इल्तमास करता हूँ चेयरमैन यूनियन कौंसिल जितने नुमाइंदेगान हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये धरना बहुत करें, एक हफ्ते का टाइम दें और जितने मुतालबे आपके जो जल्दी अलग होने वाले हैं वो एक हफ्ते डाल करके आपको दिखाएंगे। ये आप
सिरगोह से मैं। ये बात यह है कि आफ्ताब किस को बन गया, आज मैं हूं कल को और होगा। हम सभी भाई हैं जिन्होंने वोट दिए नहीं दिए, सभी भाई हैं, सभी का खात्मा लोग करो। और जितनी मेरी काबीना है इंशाल्लाह तामीर तक के काम ही हो गए। 4 करोड़ का बजट भी पास करवाया हमने और 4 अरब रुपए भी हमारे इस बुनियादी निजाम में आ रहे हैं, वो भी आपके काम होंगे, ये आपके अमानत है। और इंशाल्लाह कभी पीछे नहीं पाएंगे। जो आपने बातें की वो सिर्फ आंखों पर है। जनाब चेयरमैन आप ही दराए मेरे पास, बनता जी आप ही दराएंगे, फजल साहब हमारे जितने सारे दराएंगे। और कौन है इधर? यहाँ आपको इसलिए बुलाया कि इस मखलूक यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने आपको वोट दिया। हम सबको वोट देकर वोट दिलाया, हम इनके खातम और नौकर हैं। जो खातम और नौकर बनकर काम करना चाहता है वो इस ओहदे पर है, अगर नहीं तो यहाँ से इस्तीफा दे दे। सीधी बात है, हम सभी पार्टियों से मिलान करते हैं। यहाँ पार्टी की बात नहीं है, यहाँ इस काम की बात है। हम सब ने मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर इनको रिलीफ देना और काम कर रहे हैं। इस पर आप एग्री है? ये मेरे मुंतखब नुमाइंदे इंशाल्लाह बहुत जल्द यूनियन कौंसिल की मीटिंग बुलाएंगे और इस मीटिंग में चेयरमैन यूनियन कौंसिल, वाइस चेयरमैन यूनियन कौंसिल और जितने भी लोकल काउंसिलर हैं सारे यहाँ बैठेंगे और बहुत जल्द आपको इंशाल्लाह खुशखबरी देंगे। ये बात आपने सुनी है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी फंड आएंगे और हम लोगों ने खिदमत करनी है। मैंने आपका वक्त बहुत ले लिया, ये कश्मीर का खिता, जब बात करते हैं आटे की वो बात क्यों नहीं करते हो कि आटा किस तरह पैदा होता है, वो भी कश्मीरी पैदा करते हैं। हमारे तो यहाँ पंजाब को शराब करते हैं, वहाँ गंदम होती है तब पैदा होता है, वो भी बड़ा एहसास में एक बिजली की बात नहीं है। हमारे दरिया जाते हैं और पंजाब में जाते हैं हमारे दरिया और वहाँ खेत गंदम पैदा होती है, वो भी हमारी हमारा खून हमारा दरिया जाता है पाकिस्तान को साफ करने के लिए। हमें ना छड़ा जाए, अगर कश्मीरी काम को छड़ा गया तो इनको पीछे जाना वाला शायद अल्लाह की ज़ात हो, बाकी कोई पता नहीं होगा। ये बहुत बड़ा पैगाम है, इस बात को झूठा समझे, इसको सच समझे। और मैं इंतजामिया वालों को कहता हूँ कि ये तर्रों को बाइजी है, इसके बाद अगर एक्शन कमेटी के बाहर ने बात ना सुनी तो फिर एक्शन होगा, फिर तर्रा होगा, मरना होगा, मरना होगा, तर्रा होगा, तर्रा होगा, फिर यहाँ क्या होगा, फिर तमाटा मस्त का अंदर होगा। और फिर जहाँ कोई भी लीडर, कोई भी डीसी एसपी, कोई एसएचओ, कोई जिम्मेदार यहाँ आएगा, मेरी आवाम को छेड़ेगा, उसको मैं यादगार पर कहूंगा, नहीं चलूंगा उसको, मैं नहीं माफ करूंगा। खुदा की कसम मैं कसम उठा के कहता हूँ, ये वैसे बात नहीं करता, मैं उस मां का मुझे कब होता हूँ जिसने आजाद कश्मीर की ये कितना आजाद कराया और मां से कम पर अपना बेटा अल्लाह का पैदा होता है। अल्लाह का प्यारा आ गया तो उस मां का मुझे यह कहा था मेरे बेटे की मिल लेके जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं जंग लड़ना मैं जरूरी है। इन गजूर लोगों को तंग ना करो, जितने भी इंसानी मामलात है वो पटवारी है, अगर मेरी आवाम के साथ जुल्म नाइंसाफी की गई तो मेरे नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं और फिर खैर नहीं होगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि अपनी इज्जत का भी ख्याल रखो और जो हम नुमाइंदे हमारी इज्जत का भी ख्याल रखो। ये नहीं हो सकता यूनियन कौंसिल से इस तरह से लेकर किसी के साथ कोई ज्यादती हुई तो फिर ज्यादती करने वाला नहीं बचेगा। आवाम के लोगों के लिए जेल जाना अचकड़ी पहना फख्र समझता हूँ। और इंशाल्लाह आप सदरान आपने जो की बेटी बनाई है उसकी बेटी का ये भी समझ दे
आप कमेटी वर्कर है, जहाँ बात कह रही होती है तो उसको सीधा करने के लिए हम मौजूद है, सीधा करेंगे उसको। मैं ज्यादा बातें नहीं करता हूँ, जिससे करता हूँ बात भी करता हूँ, अमल भी करता हूँ। मैंने बहुत जगह अमल भी किया। ये मेरी तर्कदारी नहीं है, मैं उस खून से तलब रखता हूँ जिसने आजादी के लिए अपना खून बहाया है। और यहाँ ऐसा ना हो, हम ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन आप पाकिस्तान को चाहिए वो हमारी जबान पर ये ना लाए कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, यह भी कहें उसके कोर्ट में है, उसके कोर्ट में और खुदा गवाह है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह से डरता हूँ, डरता हूँ पहले नहीं डरता था। आप तो 25,000 की आबादी है उसका नुमाइंदा हूँ और ये मेरे नुमाइंदे यहाँ खड़े हैं। मेरे यूनियन कौंसिल के अंदर जो कौंसिलर है, चेयरमैन यूनियन कौंसिल है, वाइस चेयरमैन यूनियन कौंसिल है, ये हमारे नुमाइंदे हैं। अगर किसी इंतजामिया वालों ने इनकी बात सुनी तो ये ना कहना एक कौंसिल का गया था उसने बात की थी, कौंसिल नहीं उसके पीछे और भी कौंसिलर है, फिर बात इंशाल्लाह समझाएंगे। और आपने आज भूखे प्यासे यहाँ धरना दिया, मैं भी आपके साथ हूँ, मेरा ये मेरे नुमाइंदे सारे यूनियन कौंसिल के जिन्होंने आप लोगों ने मुंतखब किया, ये आपसे पीछे नहीं हट सकते हैं। ये भी हुजूर आदमी है, जवान आदमी है, नुमाइंदगी करने का हक अदा करेंगे इंशाल्लाह। आपको ये पछतावा नहीं होगा कि ऐसे बंदे इलेक्ट हुए हैं जो काम नहीं लगाए गए, रश करेंगे इंशाल्लाह। और अगर ये ना हुआ तो सियासत में नहीं देखेंगे। मेरी नो लीग इतना तलक है, मेरे तलक पीस पार्टी से है, लेकिन यहाँ ना नो लीग ना पीस पार्टी, हम भाई है, हमारा एक मिशन है। और इंशाल्लाह अपोक लेने हुए तो नो लीग को भी नहीं माफ करेंगे, पीस पार्टी को भी नहीं माफ करेंगे, किसी को माफ नहीं करेंगे। आप ही खाता जान देना पसंद देंगे इंशाल्लाह, ये मेरे नुमाइंदे जान देंगे इंशाल्लाह। और इस तरह नहीं क्या दूर होती, ये इब्तदाइश कह रहा था कि आगे भी देखिए होता क्या, फिर देखते क्या होता है। और फंस के जान शिकंजे अंदर जॉब मिलने में करना, पहले बिल जमा कराने से जमा कराओ था बोलना, बिल क्या जमा कर, जब तक बिल सही ना करो मेरी पूरी कश्मीर के लिए ये पैगाम है, कोई बिल जमा ना कराए। जब इतना बड़ा रेवेन्यू हुकूमत के पास नहीं जाएगा, वो कुछ नहीं देखेगा आपके पास। ये हो सकता है एक मकान का मालिक उसको किराएदार ये कहे कि तुम यहाँ से निकल जाओ, मालिक माला होता है, किराएदार किराएदार होता है, हम मालिक हैं। कश्मीर पाकिस्तान के लहलाते जो खेत है, गंदम गाना जो पैदा होता है, वो हमारे दरिया से शराब करते हैं कश्मीर के, ठीक है। और हमारे दरिया हमारे डैम पाकिस्तान को रोशन करते हैं। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी जो जमानी है वो सामने आएगी। मेरे नुमाइंदे यहाँ खड़े हैं जनाब चल में, आप इस बात से मुतफिक हैं इस यूनियन कौंसिल के अंदर आपके जो गुलाम जो खड़े हैं, हम वक्त इनको हुक्म दिया करें और जो आपका हुक्म नहीं मानता उसको फॉरन करें, मना करें उसको। वोट इसलिए दिए थे कि मैं इनके लगाकर पाल पीछे करके अफ्ताब पोता हूँ, नहीं अफ्ताब पोता तब हूँ जब आपके खिदमत करूंगा। मेरी पीठ के पीछे आप कहेंगे इतना दोस्ती की पीठ के पीछे और कौंसलों की पीठ के पीछे कहेंगे कि ये हमारे नुमाइंदे ठीक है काम कर रहे हैं। जब पीठ के पीछे और मुंह के सामने लोग गाली देंगे नहीं मानते हैं। ये गुल पर गुल 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 कहते हैं फूल को, फूल बना हुआ ये चुराया, ये फूल भी है लेकिन फूल के साथ कांटे भी होते हैं।
ये फूल गिरने के लिए थोड़ा ध्यान करना, हाथ अपने हो जाए। गुलाब में साथ भी बैठे होते हैं, तो इंशाल्लाह आप मतमेरा है एक्शन कमेटी गुलबर मस्त होकर काम करें और तमाम के पास जाए, जहाँ को बात सुनता है ये किस लिए है, पहला हाथ फेरा होगा, फिर घोषित सभा होगा, फिर सभी का होगा, फिर उनको काम कर यहाँ लाएंगे, यहाँ स्टोर और भी तरह शाला बनाएंगे। और एक बहुत बड़ा मसला है कि यहाँ गुलपर के अंदर बेशुमार स्कूल है, यहाँ शिविर ब्रेकर नहीं है, ये भी इस हिसाब से बात करेंगे और ये भी यहाँ बनवाएंगे इंशाल्लाह। और जब फंड मिला तो वो आपके मौत होगी और शहर आपके पास जाएगा, आपके काम भी होंगे। और मैंने आपका टाइम बहुत ले लिया, मैंने बातें बहुत की हैं, दिल की बातें की हैं, अंदर से बोला हूँ। और यूनियन कौंसिल के अंदर इंशाल्लाह इंकलाब आएगा और बेहतर होगा, वो काम नून लीग से भी लेंगे, पार्टी से भी लेंगे, तरीके साथ से भी लेंगे, सभी से लेंगे, जो हमारा काम करेगा उसको वेलकम भी करेंगे इंशाल्लाह। तो इसलिए मैं आपसे बहुत बात बहुत लेकर टाइम बहुत शॉर्ट है, कुछ और बातें भी हैं लेकिन अभी नहीं करना चाहता हूँ, वो बात मैं करूंगा जब इधर चौक पे लाएंगे किसी को, बात होगी। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत थैंक यू।